हेलो फ्रेंड्स, पीके हेल्थ फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे एजी 500 एमजी टैबलेट को, जिसको बनाया सिप्ला लिमिटेड कंपनी ने। आज हम आपको बताएंगे कि एजी किस प्रकार हमारी बॉडी में काम करती है, क्या क्या इसके यूज़ हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और किस प्रकार लेना इसको उचित है और कितनी इसकी डोज लेनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में हमारी कोई भी वीडियो आए तो जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। अगर बात करें एजी 500 mg टैबलेट का मार्केट प्राइस 118 रुपये रहता है और एक स्ट्रिप में 5 टैबलेट आती है और यह मार्केट में आसानी से मिल जाती है। एजी 500 mg टैबलेट एक प्रकार के एंटीबायोटिक है जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया को किल करके उसकी ग्रोथ को रोकती है। यह हमारी बॉडी में कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है, जैसे कि RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम में, ईयर, नोज, लंग्स, स्किन, आइज और टाइफाइड फीवर बुखार के में भी इसका प्रयोग होता है। बात करें एजी 500 mg टैबलेट के डोज की तो इसकी डोज हमारी बॉडी में और एंटीबायोटिक से ज़्यादा देर तक रहती है। इसका असर कम से कम 2 या 3 दिन तक हमारी बॉडी में रहता है, इसलिए इसकी डोज OD फॉर्म में होती है। OD का मतलब दिन में एक बार, और यह कम से कम 5 दिन तक लेनी चाहिए। बात करें एजिथ्रोमाइसिन के फ़ायदे, यूज, बेनिफिट या इसके लाभ क्या क्या हैं, जो इस प्रकार है: कान में संक्रमण, गले में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, टॉन्सिल, साइनस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सूजन, आँख में संक्रमण, आँख में सूजन, चेहरे पर सूजन, कान के रोग, नाक में फुंसी, फेफड़ों में इन्फेक्शन, फेफड़ों के रोग, गले में सूजन, गले में चुभन, गले में छाले होना या गला बैठना इत्यादि में इसके यूज हो सकते हैं। अगर बात करें एजी 500 के साइड इफ़ेक्ट या इसके दुष्प्रभाव क्या हैं: पेट में सूजन आना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, कब्ज़ होना, शरीर पर लाल चित्के होना, चक्कर आना, तेज़ बुखार होना, दस्त लगना, मितली या उल्टी लगना इत्यादि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो जल्दी से अपने डॉक्टर से सलाह करें। अगर बात करें एजी 500 का किन किन सिचुएशनों में यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, गर्भवती महिलाएं इसका यूज कर सकती हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी इसका यूज कर सकती हैं, ड्राइविंग करते समय इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, यह ड्राइविंग करते समय सुरक्षित है, एजी की लत या आदत नहीं पड़ती है। अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो एजी 500 का यूज न करें: लीवर रोग, पीलिया, हाथों में सूजन, हृदय रोग, कैल्शियम की कमी, पोटाशियम की कमी इत्यादि में, अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी हो तो इसका उपयोग न करें, क्योंकि इससे आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो इन बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति को इस दवा का यूज नहीं करना चाहिए। अगर बात करें एजी 500 टैबलेट के विकल्प की तो इसके विकल्प मार्केटिंग में आसानी से मिल जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: Z1 रूलीडेजेड, वेलुथरल, एजलुपिन, 0.500 mg टैबलेट इत्यादि ब्रांड मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।